नमस्कार दोस्तों, हमारी शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से हो चुकी है और अभी मैं गलीफा गांव में खड़ा हूं और ये गलीफा गांव रणखार के एरिए में लगता है और यहां पे चारों तरफ रण है और खार है। एक तरफ दोरे के टीले दिख जाएंगे आपको, तो एक तरफ पूरी की पूरी साइड है जो रण का रण दिखेगा, जहाँ पे बबूल की झाड़ियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ है, जो जंगली जैसा फील आएगा। और ये नियर पाकिस्तान बॉर्डर के सटीक जो गांव लगता है। तो मैं पहले इस मंदिर का दर्शन कर देता हूँ। महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, भव्य मंदिर। हर हर महादेव की जय। दोस्तों, ये है रणखार की नदी और ये यूं रोड है और रपट है, इस तरफ नदी है और पूरी की पूरी जो एरिया के अंदर ये जो नदी है वो फैली हुई है और यहाँ से वो सामने एक मशीन लगी हुई है, उससे सिंचाई होती है, खेती बाड़ी होती है। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है बबूल का एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है और इसकी कटिंग होती है और कासेला पावर प्लांट बिजली इससे उत्पादित होती है और इसको कचरे के रूप में सुखा के और वेस्ट करके और वहाँ पर जो कचरे के रूप में जलाया जाता है और हीटिंग के बाद में वो है जो बिजली ऊर्जा होती है और उसके बाद में लाइट है वो उसकी सप्लाई होती है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मरटवा गांव। ये है दोस्तों मरटवा गांव और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये है टेंबी गांव और ये भी एक पश्चिमी राजस्थान का एक गाँव है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेंबी, और यहाँ पर ये स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है। दोस्तों ये पशुओं के लिए एक खेड़ी बनाई गई है और आप ये इलाका देख सकते हो। लो दोस्तों, ये आगे है दूठवा गांव और यहाँ पर भी बबूल चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि ये एक पानी का तालाब है और यहाँ पर भैंसे हैं, वो पानी पीती है और उसके बाद में जंगल में है जो विचरण करती है। दोस्तों ये है दलदल की जमीन और ये जो पानी है ये भूगर्भ से ऑटो आता है और इसमें कभी कभार जो पशुओं के हैं जो पैर भी अंदर है वो फंस जाते हैं। है दोस्तों नेहड़ क्षेत्र की भैंसे और ये अभी कर रही है विचरण पानी पीने के बाद में, और मैं आपको अंदर एक बहुत ही बड़ा है जो तालाब दिखाता हूँ। जैसा कि इस तालाब के अंदर जो भैंसे हैं वो पानी पीने के लिए आती है दोस्तों, तो यह है दोस्तों तालाब और यहाँ पर पानी पी के भैंसे करती है विचरण। दोस्तों ये दूठवा गांव के अंदर एक तालाब बनाया गया है भैंसों के स्पेशली जो स्विमिंग पूल के लिए, और यहाँ पे भैंसे पानी पीती है और इसके अंदर स्नान करती है, बहुत कुछ करती है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये जो तालाब है छोटा सा बनाया गया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा, नहर से पानी आ रहा है। ये है यहाँ के स्थानीय निवासी और नहर से आ रहा है पानी और यहाँ पर सभी है भैंसे सामूहिक पानी पीती है पूरे गाँव की, है ना। दोस्तों ये एक छोटा सा गाँव है टापी और कुछ यूँ, ये है चार रास्ता टापी का। दोस्तों ये टापी गांव की नहर है और ये वितरिका है छोटी सी, और अभी ये सूखी है, इसके अंदर पानी नहीं है और जैसे ही सर्दी की ऋतु चालू हो जाएगी तो पानी छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये है भीमगुड़ा वितरिका, जैसा कि 20 किलोमीटर की इसकी दूरी है और ये भी अभी सूखी है। इस साइड टापी है और इस साइड आरवा है, तो मैं आरवा की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर अरंडी की खेती है कुछ, आप यूँ देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली है रण का खार, मैं आपको दिखा दूँ कि ये रण का खार है और यहाँ पर मीलों किलोमीटर तक कोई कुछ नहीं आस पास में दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों इसके ऊपर जो है वो नमक की एक परत है और इसके नीचे जो है वो मिट्टी, दलदली मिट्टी है, और अभी ये सूखी हुई है तो इसलिए दलदल है वो थोड़ा कम है भागी, अन्यथा इसके अंदर जो पशु है वो आराम से इसके अंदर पैर है वो धस जाते हैं। और ये है रण का, पश्चिमी राजस्थान का रण, और इधर थोड़ा सा दूर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है वो आ जाता है, 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मैं आपको बॉर्डर विजिट भी कराऊंगा और मैं आपको दिखा दिया कि ये है रण का थार। आपको ये एरिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं यहाँ पर विजिट किया और मैं आपको पूरा का पूरा जो रण का एरिया है अपने पश्चिमी राजस्थान का वो मैं आपको घुमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों तो हमारा जो वीडियो आप रेगुलर देखिएगा और वीडियो है मिस नहीं कीजिएगा।
लो दोस्तों, भेड़िया गांव है जो आगे है, और उसके आगे है साता पनोरिया, और इस तरफ पड़ता है खेजड़ियाली, और ये अब नियर भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जो ये सटीक गांव है, काफ़ी डेवलप किया गया है। हिंदुस्तान के जो आप फ्लैग है वो आप देख सकते हो, चारों तरफ जो रोड के आपको फ्लैग नज़र आएंगे, यानी कि बीचों बीच में 100, 200, 300 कम से कम यहाँ से दिख रहे हैं, पता नहीं आगे कितने फ्लैग है। और बालक अभी है जो स्कूल से आए हैं, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये रोड गंद से आती है, जैसा कि साचौर से होते हुए बाड़मेर इधर से जाते हैं तब इसमें गंद आता है, और वहाँ से जो ये फौजी रोड है ये आगे जाती है बाखासर वाया भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा में, और एकदम ऑल इन वन अभी न्यू बनी है, बहुत अच्छा है। और ये एक छोटा सा गांव है सांता, आप देख सकते हो, ये कुछ अधिकारी आर्मी के अभी देखने लग गए हैं। बहुत ही अच्छा गाँव है, और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है हमारे भारत की आन बान और शान, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारे आर्मी, भारतीय आर्मी, और ये अभी ड्यूटी ऑन ड्यूटी में है, तो इनके दर्शन हो गए। अभी भारत पाकिस्तान नियर सीमा बॉर्डर, और मिलते हैं आर्मी से और इनके बारे में जानते हैं कि कैसा इनका दिनचर्या रहती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है पश्चिमी दक्षिण का लास्ट गांव, जो कि राजस्थान का भारत सीमा के जो सटीक गांव है, और ये है बाखासर गांव। यहाँ का लोकल, ये आप हवेली देख सकते हो जो कि बलवंत सिंह जी की हवेली है। अभी आपको हम पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहे राम गोपाल साचौरी के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।